एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक गर्भवती महिला और नवजात को नया जीवन प्रदान किया है। महिला को झटके आने की वजह से गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया था। ऑपरेशन और लगातार चले उपचार के बाद महिला और नवजात पूर्णतः अब स्वस्थ हैं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित की है। बीते 1 अक्टूबर को 6 माह की गर्भवती महिला खेमिन देवी को झटके आने की गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला की हालत को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा उसे तत्काल आईसीयू में भर्ती कर सीजेरियन ऑपरेशन किया गया। महिला के नवजात की हालत भी अत्यंत गंभीर थी, जिसका उपचार शिशु रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर SP केशरवानी की देखरेख में NICU में शुरू किया गया। महिला की स्थिति और बच्चे के उपचार को लेकर डॉक्टर SP केशरवानी, डॉक्टर शिरीन एवं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर विजय गावंडे ने जानकारी दी। डॉक्टर SP केशरवानी शिशु रोग विशेषज्ञ SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। 1 अक्टूबर को केमिन बाई प्री इक्लेम्प्टिक महिला को SR हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसे गंभीर रूप से झटके आ रहे थे। आनंद फानन में उसका सीजरन ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि 32 हफ्ते गेस्टेशनल एज का 1 किलो 40 ग्राम का नवजात पैदा हुआ, जो कि बहुत ही क्रिटिकल एवं गंभीर था। उसे हमने NICU में भर्ती कर उसका इलाज प्रारंभ किया। विभिन्न प्रकार की जटिलताओं से का सामना करते हुए हमारे NICU यूनिट के कुशल चिकित्सकों एवं स्टाफ के द्वारा नवजात का इलाज किया गया। बच्चा लगभग 22 दिनों बाद आज दिनांक को हम उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर डिस्चार्ज कर रहे हैं। अभी वर्तमान में बच्चे का वजन 1 किलो 250 ग्राम है। बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। माँ का दूध खींचना प्रारंभ कर दिया है और उसका वजन भी अच्छे से डेली बढ़ रहा है। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारे SR हॉस्पिटल में NICU की एक बहुत ही कुशल यूनिट है, जो कि नवजात गंभीर से गंभीर नवजात शिशु का इलाज करने में सक्षम है। तो मैं क्षेत्र की जनता को यह सब जानकारी देना चाहूँगा, ताकि वो इस NICU यूनिट का अपना समय के अनुसार भरपूर लाभ उठा सके। धन्यवाद। मैं साथ में दीपावली एवं धनतेरस के शुभ अवसर पर क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं SR हॉस्पिटल से श्रीमती शिरीन सन बोल रही हूँ और आपको एक अत्यंत हर्षपूर्वक सूचना दे रही हूँ कि हमारे हॉस्पिटल SR हॉस्पिटल में श्रीमती खेमिन बाई 1/10 को एडमिट हुई थी, जिसे 34 वीक्स की प्रेगनेंसी थी और उसने एक बेबी डिलीवर किया जिसका वेट 1 kg 75 ग्राम था। हमारे हॉस्पिटल की न्यूनेट्स टीम मिस्टर डॉक्टर केशरवानी के अंडर में न्यूनेटल आईसीयू में उसकी बच्ची को रखा गया और आज 20 डेज की अथक कठिन परिश्रम के बाद बच्ची का वेट 1 kg 250 ग्राम हो गया है और आज हम उसे यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसलिए मैं SR हॉस्पिटल से आपको ये सूचना दे रही हूँ कि अगर आपके हॉस्पिटल आपके घर के आसपास किसी को प्रीमैच्योर डिलीवरी होती है या कोई नवजात शिशु जिसका वेट कम होता है, कृपया उसे कर हमारे हॉस्पिटल में लाएं और हमारी सेवा का लाभ उठाएं। अंत में मैं आज धनतेरस की वेला पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि भगवान कुबेर की कृपा आप सब पर हो। अंत में मैं आप सबको नमस्कार करती हूं। नमस्कार, मैं विजय गावंडे, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। आप सबों को बताने के लिए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि पिछले 1 तारीख को हमारे यहाँ श्रीमती खेमिन बाई एडमिट हुई, जो कि 32 वीक्स की प्रेग्नेंट थी, उसे गर्भ था और उसे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पर लाया गया और इमरजेंसी में उसका सीजरियन सेक्शन LSS ऑपरेशन किया गया और उसे एक पुत्री प्राप्त हुई, जो कि बहुत ही कम वजन था, 1 kg 75 ग्राम की थी, जिसे तुरंत NICU में शिफ्ट करके उसका इलाज किया गया। हमारे यहाँ NICU की टीम जो है, डॉक्टर केसरवानी और उनकी टीम नर्सिंग स्टाफ, जिन्होंने काफ़ी मेहनत से उसका इलाज किया, उसकी केयर की और आज के दिन 22 दिनों के बाद वो बच्ची अपने माता पिता के साथ स्वस्थ होकर अपने घर लौट रही है।
आज के इस दिन को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ NICU की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी अच्छे मशीन्स है, कोई भी ऐसी केस है तो आकर यहाँ पर उसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ की पूरी जनता को आज के दिन धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। गौरतलब है कि अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के तहत इलाज किया जाता है। महिला खेविन देवी का पूरा इलाज आयुष्मान कार्ड योजना के तहत किया गया। लगातार चले उपचार के बाद महिला और नवजात पूर्णतया स्वस्थ हैं, जिन्हें अस्पताल से 22 अक्टूबर को डिस्चार्ज किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।